और अब खबर यूपी के सियासी एजेंडे की, जिस पर रहेगी आज दिन भर नजर। कन्नौज से अखिलेश यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक भी आज नामांकन करेंगे। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। नामांकन से पहले अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, कन्नौज को इतिहास रचने की आदत है, ये सुब्रत पाठक की तरफ से कहा गया। तो 2024 के चुनावी समर में कन्नौज सीट पर दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2019 में डिंपल यादव की हार के बाद समाजवादी पार्टी वापसी का रास्ता देख रही है। इसीलिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं। आज दोनों उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और आइए आपको सुनाते हैं कि कन्नौज से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का क्या कहना है। कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिम्पल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि कन्नौज सीट पर किसका पलड़ा भारी है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने पूरी जानकारी। 1998 के बाद से 2014 तक यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा साफ रहा। अभी तक 5 चुनाव यहां से समाजवादी पार्टी जीती है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहां से सांसद रह चुकी है जी हाँ, जबकि बीजेपी 1996 में पहली बार जीती और 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव हराकर सीट पर कब्जा कर लिया था। तो ये वो बड़ी जानकारी है। और साथ ही अब आपको ये भी बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज सीट इतनी जरूरी क्यों है। तो ये जानकारी देखिए, समाजवादी पार्टी का कन्नौज गढ़ रहा है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, और पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे थे इस सीट से। इसके अलावा 1967 की बात की जाए तो यहाँ पर जीत हुई। राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी से यहाँ पर जीते और 1998 में जो जीत दर्ज की वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप यादव ने की। और साथ ही 1999 में जीत हुई मुलायम सिंह यादव की, जो कि समाजवादी पार्टी से थे। मुलायम की सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव यहाँ से उपचुनाव जीते थे। वहीं 1998 और 2019 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। 2019 में सुब्रत पाठक यानी कि बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। डिंपल यादव को यहां से हराया था। पंकज झा इस वक्त हमारे रोविंग एडिटर जुड़े हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, हालांकि ये जो सीट है वो गढ़ रही है, बहुत स्ट्रांग होल्ड यहां पर समाजवादी पार्टी का रहा है, लेकिन 2019 में ऐसा हुआ नहीं। अब अखिलेश यादव यहां पर नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, कैसा मुकाबला, कैसी टक्कर अब इसके बाद यहां पर होती हुई नजर आएगी। जैसे कल जब अखिलेश यादव से बात हुई थी हमारी और हमने पूछा भी था, क्योंकि बड़ा टफ सीट होगा किसी के लिए भी, या तो बीजेपी या समाजवादी पार्टी के लिए। अगर आप देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव यहाँ जीती थी और तभी बीजेपी के सुब्रत पाठक को उन्होंने हराया था, तभी बस 20,000 वोटों से वो जीत पाई थी। और 2019 में जब सुब्रत पाठक जीते थे तभी वो 7,000 वोटों से जीत पाए थे। यानी वोटों का अंतर बहुत कम रहता है और बहुत डिफिकल्ट है। जबकि पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था तब भी सुब्रत पाठक उनको हराने में कामयाब रहे थे। तो अखिलेश ने कहा ये मेरी सीट जो है वो डिफिकल्ट है, कंटेस्ट बहुत टफ होगा, वो मानकर ये चल रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप एक बात कह दी थी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को कि आप भी चुनाव लड़िए, हमको भी लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये परिवार राहुल, प्रियंका और अखिलेश खुद नहीं लड़ते हैं तो मैसेज कार्यकर्ताओं में ठीक नहीं जाएगा। इसीलिए वो कन्नौज से जो परंपरागत सीट है, जहाँ से उनका इमोशनल अटैचमेंट रहा है, जहाँ से वो पहली बार सांसद बने, चुनावी राजनीति में आए, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज जी पूरी जानकारी के लिए।